देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, विधायकों से मिलना क्या बहुत ऐसी असामान्य आपको चीज़ लगती है? विधायक हमारी पार्टी का बहुत मजबूत बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और विधायकों से सलाह मशवरा समय समय पर होना भी चाहिए। उसी प्रक्रिया का उसी श्रृंखला की एक प्रक्रिया सर। लेकिन आप कुछ जो विधायक है पर्टिकुलर वो एक जगह पर सर जो है जुटते हुए नज़र आते हैं, तमाम विधायक मिले तो सर खबरें नहीं होती, लेकिन कुछ विधायक जो है जुटते हैं फिर वहाँ से रणनीति बन के सर AICC तक पहुँचती है, इसको किस तरीके से सर? मुझे कोई इसमें विशेष बात नहीं नज़र आती। सर विधायकों की डिमांड है कि हुड्डा जी को कमान सौंपी जाए, कितनी जायज लगती है? हुड्डा जी के समर्थन में विधायक उतर रहे हैं, इसमें कुमारी शैलजा को लेकर रोष आ रहा है उनके मन। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। आपको लगता नहीं सर जो खींचतान हो रही है पार्टी का उसको? मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरी को बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर आपके इस क्या प्रतिक्रिया दूंगा। देखिए जो समस्याएं हैं वो तो सुलझाने के लिए हमें भेजा ही हुआ है, हमें नियुक्त किया हुआ है, तो उनको सुलझाया जा रहा है। जिस संगठन के निर्माण में गुत्थियाँ ना हों उलझने ना हों तो वो कैसे गठन होगा? बहुत सामान्य प्रक्रिया है, पर कोई इसे ये कह दे कि ये कोई असामान्य है या कोई अनहोनी है, ऐसा कुछ नहीं। सर आगे पंचायत चुनाव है, उपचुनाव होने वाले हैं, ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने के बाद माना जा रहा है कि जो जाट वोट बैंक है वापस जो उनका जनाधार है उनकी तरफ आएगा, ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? मेरा इसमें बिल्कुल इस बात से असहमत हूँ। उन्होंने देख लिया है, उनका शासन देख लिया है, किस तरीके का शासन चलाया, किस तरीके से परिवारवाद को सिर्फ पनपाया और किस तरीके से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर रहा। सब जो प्रबंधन था वो बिल्कुल लचर रहा और जनता बहुत पीड़ित रही, तो जनता आसानी से नहीं भूलती है। उसके बरक्स हमारे जो शासन दिया है समय समय पे जनता को वो भी याद है। देखिए इस पे मैं कोई आप ये कैसे ये आपका सवाल कहाँ से हो गया कि उनको हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? ये सवाल तो संगठन के आशीष नेतृत्व लेता है ना, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं प्रतीत होता कि हटाने की बात हो रही है हटाना चाहिए, तो कोई इस पर मैं ना तो कोई जवाब देना चाहूँगा। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कमेटी का जो गठन है वो हम कर रहे हैं, वो हमारी प्राथमिकता है और उसके परिणाम आपको बहुत जल्दी देंगे। एक आखिरी सवाल अगर आप उसको स्पष्ट रूप से कह पाएँ तो जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस में घमासान चल रहा है, अब सुर्खियाँ आ गई हैं कि हरियाणा कांग्रेस में घमासान चल रहा है, आप कैसे देखते हैं कि काफ़ी विपक्षी दल ये कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है कि घर का बेदी लंका डाए, हमें अपनों ने लूटा घरों में कहाँ दंगा? देखिए इस पर भी मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपने एक जो तुलना आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ बहुत सामान्य है, सब कुछ बहुत स्थिर है। कल मैं झज्जर जा रहा हूँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने और हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं गति के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।